हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग बिलासपुर जिला के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला परिषद कार्यालय में मीटिंग हॉल में आयोजित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राजेंद्र गर्ग ने केंद्र व प्रदेश सरकार की विकासात्मक कार्यों संबंधित अधिकारियों से बात की और इसका जायजा लिया, तो वहीं लंबित पड़े कार्यों को जल्द निपटाने के निर्देश भी जारी किए। बैठक के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक बिलासपुर सहित झंडूता के विधायक जेआर कटवाल भी मौजूद रहे। बिलासपुर जिला में सरकारी नौकरी कर वेतन लेने वाले 5 अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा बीपीएल के नाम पर सस्ता राशन लेने के मामले का भी बड़ा पर्दाफाश हुआ था और घोटाले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ मंत्री ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने बीते दिन हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान कुछ मुद्दों को रखने की बात भी बताई। पंचायत स्तर पर एसडीएम द्वारा मामलों की जांच का फैसला कैबिनेट द्वारा लिए जाने और इस मामले में संलिप्त किए गए अधिकारी को ना बख्शे जाने की बात भी कही। और घोटाला भी ये बहुत बड़ा है, लेकिन हमने कहा है कि जो ऐसे लोग हैं उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने काम ऐसा गलत काम किया है, गरीबों का हक खाया है, उनसे उसकी वसूली होगी। और अभी कल की कैबिनेट में भी हमने विषय वहाँ लाया था और उसमें कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि एसटीएम के माध्यम से हर पंचायत में इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी पड़ताल होगी इसकी कि कौन इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कोई अधिकारी इन्वॉल्व है तो अधिकारी का भी ध्यान में आना चाहिए। कोई एफिडेविट, हमने तो उस टाइम एफिडेविट मांगे थे, तो कई उन्हें एफिडेविट भी दिए हैं कि हम अब बीपीएल में नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों की पड़ताल, जांच पड़ताल होगी, तो उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मीटिंग के दौरान इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दिए जाने की बात करते हुए मंत्री गर्ग ने बताया कि सरकार द्वारा टैक्स पेयर्स को सरकारी डिपुओं से सब्सिडी पर सस्ता राशन ना मिलने का फैसला तो लिया था, तो वहीं अब इस निर्णय में आंशिक संशोधन कर टैक्स पेयर्स को सरकारी डिपो पर राशन मिलने के साथ साथ सब्सिडी पर आटा चावल होने और तेल व दालें सहित अन्य सामान को सब्सिडी दायरे से बाहर करने की बात कही। कल ही कैबिनेट में एक निर्णय हुआ, पीछे जो निर्णय हुआ था उसमें आंशिक संशोधन हुआ कि जो हमारे इनकम टैक्स पेज हैं उनके लिए जो ब्लॉक किए गए थे उनके राशन, उनको खोलने का निर्णय लिया गया फिर से, और उनके लिए आटा और चावल में जो सब्सिडी है वो मुहैया कराई जाएगी, और अन्य जो सामान है वो तो बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के, जैसे चीनी है, दालें हैं, तेल है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको वो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन उन पर उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब उससे भी उनको लाभ है, जैसे माना तेल की कीमत हमारे पास 92 रुपये है, 93 रुपये है, बाज़ार में उनको 110 रुपये, 12 रुपये मिलेगी, तो 12 रुपये का फ़र्क है, तो भी उनको फ़ायदा है। तो ये फ़ायदा सरकार ने उनको दिया है, जहाँ किसी आइटम में उनको 6 रुपये का फायदा होगा उसके बावजूद भी किसी में 8 का होगा, किसी में 12 का होगा, लेकिन सब्सिडी प्रदेश सरकार की ओर से जो दी जाती थी उसको हटा दिया है, लेकिन फिर भी वो राशन वहाँ से अब ले सकते हैं।